मेरे साथ आकाश जी है जो इस बाइक के बारे में बताएंगे। आकाश जी बताइए। इसमें आपको इंजन 300cc का इंजन आएगा। अच्छा। ड्यूल एग्जॉस्टर है इसमें। अच्छा। ड्यूल चैनल ABS आएंगे। ड्यूल लीक्स आएंगे गाड़ी में। आपको इसमें DOSC इंजन आएगा। ओके। ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। अच्छा। और उसके साथ इसमें स्लीपर और असिस्ट क्लच है। अच्छा अच्छा। जैसे कि आप 70-80 के भी स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल करते हो तो गाड़ी थोड़ी भी स्केटिंग नहीं होगी, एकदम प्रॉपरली कंट्रोल में रुकेगी। अच्छा अच्छा। इसमें मैकविल दिए गए हैं आपको। और इसका जो स्पीड लिमिट कितनी दी है इसमें? स्पीड लिमिट कैसे, आप टॉप स्पीड में जाओगे तो 140 के प्लस से गाड़ी में जा सकते हो। अच्छा। और ये वाली बाइक का क्या है? इसका सिर्फ कलर अलग है। जावा की है ना ये भी? और 42 जावा 42 मॉडल है। ओके। और इसका व्हील अलॉय व्हील है ना ये? अलॉय व्हील है। अच्छा। ड्यूल चैनल ABS। और इसमें क्लच ब्रेक गियर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे? डिस्क ब्रेक वगैरह सब कुछ है? फाइबर का यहाँ पे आपको सिस्टम दिया हुआ है जो हर कंपनी की ब्रेकिंग सिस्टम बनती है। अच्छा। और ये बाइक कौन सी है? ये जावा 350। जावा 350। ये क्या विंटेज बाइक है ये? यस यस, ओल्ड विंटेज। जब ये एसडी राजदूत गाड़ी आती थी ना वो टाइम का विंटेज लुक है उसमें। अच्छा अच्छा। और इसके भी अलॉय व्हील अभी नया मॉडिफाई किया है क्या इसको? इसमें स्पोक्स व्हील है। अच्छा। पहले की गाड़ी में 250cc आती थी, अभी की गाड़ी में 350cc इंजन है। अच्छा अच्छा। पहले 2-stroke इंजन था, अभी 4-stroke इंजन है। अच्छा अच्छा। और इसमें अभी डिस्क भी अपग्रेड किए हुए हैं और डुअल चैनल ABS इसको भी दिए। और जावा की सभी गाड़ियों में 6-speed गियर है। अच्छा अच्छा। अभी हम जो बाइक देख पा रहे हैं वो है एडवेंचर। इसका बताइए इसका क्या है? इसमें आपको सर 350cc इंजन आएगा। अच्छा 350cc इंजन। और ड्यूल चैनल ABS है इसमें। ओके। ड्यूल डिस्क है। ओके। ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है इसमें। ओके। विद स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। ओके। सेम जैसे वो गाड़ी में बताया कि आप एक सर्टन स्पीड 70-80 की स्पीड पे भी गाड़ी को ब्रेक मार रहे हो तो गाड़ी स्केट नहीं होगी, स्लिप नहीं होगी, कंट्रोल में रुक पे जा रहे हैं। जैसे माउंटेन्स वगैरह में ड्राइव कर रहे हैं उस चीज के लिए ज्यादा अच्छी है। यस यस, स्पेशली ऑफरोडिंग के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा अच्छा। ये वाला अलग कलेक्शन है। ओके। जैसे राइडिंग मोड से एक है ऑन रोड है, ऑफ रोड है और एक रेन मोड है। जैसे आप ऑफ रोड में जाते हो आपके ड्यूल चैनल ABS है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ओके। क्योंकि गाड़ी आपकी इजीली मड और हिल से क्लाइम करनी चाहिए उसके लिए। ओके। दूसरा मोड है वो ऑन रोड है, वो सिटी राइडर्स के लिए। जैसे सिटी में आप राइड करते हो तो वो टाइम पे गाड़ी के दोनों चैनल इसलिए एक्टिवेट होते हैं कि आप ट्रैफिक में गाड़ी को इजीली कंट्रोल कर सको। ओके। इसका इंजन कौन सा है? इंजन वो 350cc इंजन है। और एक इसमें मोड है रेन मोड है। अच्छा। रेन मोड में आप गाड़ी को गाड़ी का आगे का जो ABS है वो एक्टिवेट रहता है, पीछे का डीएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि गाड़ी स्केट ना हो। अच्छा, उसके अच्छा। रेन में। तो ये एडवेंचर बाइक है ना ये? यस, स्पेशली डिजाइन फॉर एडवेंचर। अच्छा। इसका प्राइस वगैरह कुछ डिस्क्लोज करते हैं ऐसा कुछ? कितने तक है इसमें? 265 से लेके 275 तक गाड़ी का प्राइसिंग है। कलर वाइज प्राइसिंग चेंज है, बाकी सेगमेंट सब में सेम। और अभी गणेश जी आ रहे हैं तो उसका कोई ऑफर वगैरह चल रहा है? ऑफर्स 5000 तक का बेनिफिट हो जाएगा, एक्सेसरीज और गाड़ी के जो भी प्राइसिंग रहेगा। अच्छा, प्राइस पे 5000 का बेनिफिट है। ओके ओके। अभी हम ये जो बाइक देख रहे हैं सर, बताइए बाइक के बारे में। ये HD का रोस्टर बाइक है। अच्छा। बाइक है, इसमें आपको 350cc इंजन आएगा, ड्यूल एग्जॉस्टर आएंगे, ड्यूल चैनल ABS है और ड्यूल डिस्क इसमें भी है। ड्यूल कैमशाफ्ट इंजन है विद स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। वही जैसे कि आप 60-70 के स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल करते हो तो गाड़ी इजीली कंट्रोल हो जाएगी, स्केटिंग का कोई भी चांस नहीं, स्केटिंग और स्लिप का। ओके ओके। तो ये आपको डिजिटल मीटर आएगा विद इंडिकेटर्स, इसमें आपको LED हेडलैम्प आएगी, LED हेडलैम्प ब्राइट रहती है कंपेयर टू हेलोजन, अच्छा फोकस देगी आपको और अच्छा नाइट में भी विजन इसका अच्छा रहेगा। जो देख रहे हैं वो न्यू लॉन्च हुई है गाड़ी जो है BSA गोल्ड स्टार 650। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सर बताइए इसका। ये आपको 652cc की इंजन आएगा इसमें आपको। इसमें 45 BHP की पावर आएगी 6500 RPM में। अच्छा 6500 RPM में। देन आपको 55 Nm का टॉर्क आएगा इसमें 4000 RPM में। ओके। इसके जो टायर्स दिए हुए हैं पिरेली के टायर्स है और उसका व्हील बेस है 1425 mm का। ओके। इसमें आपको जो ब्रेक्स आएंगे वो
और ड्यूल चैनल एबीएस में आएंगे okay. और ब्रेक किट का जो सिस्टम है okay. अदर व्हीकल में जैसे बाइवर का था इसमें ब्रेम्बो का ब्रेक्स है। और इसका मीन्स कलर भी इसमें मिल जाएंगे अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो कलर सामने आपके ब्लैक वाला है जो एक हाँ और निशानी दिया रेड है देन ग्रीन कलर है ओके देन क्रोम कलर है और जो वहाँ पे आप देख रहे हो अच्छा हाँ ये वाला है सिल्वर कलर भी है इसमें। यस और अपकमिंग और एक कलर है। गाड़ी का नाम ये है ना यस गोल्ड स्टार 650 मुंबई। ये अभी लॉन्च हुई है ना 15 अगस्त को ओके सर। अभी सौरभ जी है, सौरभ जी बताइए ये बाइक जो है आपके सामने उसका स्पेसिफिकेशन बताइए कुछ। सर ये इसका नाम जावा 42 बॉबर है ओके। ये आपको 30 HP की पावर जनरेट करती है ओके। 13 M का टॉर्क ओके और लिक्विड कूल इंजन है ओके ओके। इसमें ड्यूल चैनल ABS है ड्यूल डिस्क है और ये इसका टैंक कैपेसिटी वो 12.5 लीटर और 6 गियर स्पीड का पावर देती है ओके। और ये वाली बाइक सेम उसका कलर वाइज प्राइस नहीं रहती। अच्छा कलर कलर अलग है हाँ। तो कलर में भी कुछ चेंज होता है प्राइस में? हाँ सर इसका जो प्राइस है कॉपर मिस्टिक कॉपर ये जो है 2,75,000 ऑन रोड प्राइस। और उसका वो मिरर ब्लैक है मिरर रेड है वो आपको जाएगा 2,85,000 ऑन रोड। अच्छा 2,85,000 ऑन रोड जाएगा। और ये जो बाइक देख पा रहे हैं ये कौन सी है? ये अभी नया कलर है जावा 42 2.1 ओके ओके। तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन? इसका सर 394 तक के हैं ये। अब जी मुझे अभी बताइए ये जो नई बाइक है जो क्लासिक दिख रही है उसका नाम क्या है? सर इस बाइक का नाम है जावा 350 क्लासिक ओके। इसमें 22 HP की पावर है और 28 Nm का टॉर्क है मतलब पावर कम करके टॉर्क ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा लिक्विड कूल इंजन है ओके। ये बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही है जो पहले विंटेज गाड़ी आती थी उसको मॉडिफाई किया है इसने पूरा विंटेज स्टाइल में रखा है मतलब पूरा रेट्रो लुक का है आगे मीटर से लेके टायर से लेके पूरा हैलोजन बल्ब से है। जी जी मैं देख पा रहा हूँ ये। और इसका प्राइस वगैरह कुछ बता सकते हैं आप? सर इसका प्राइस जो है 2,55,000 ऑन रोड और उसमें जो इसका कलर वेरिएंट है उसमें टोटल 7 कलर आते हैं जो 12 टोन में क्रोम में कलर आते हैं उसका प्राइस है 2,70,000 और ये कलर है 2,55,000 ऑन रोड ओके ठीक है। सीरीज है जो अभी मैं देख पा रहा हूँ सर बताइए इसके बारे में कुछ। ये जावा का आपका लेवल 2 का जैकेट है जो आप नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल में आएगा। अच्छा। और आपको अगर अदर कोई भी इसमें चाहिए मल्टीपल एक्टिविटी के लिए तो इसमें लेवल 2 का एक अलग आता है इसका प्राइसिंग है 7,000 ओके। और ये हेलमेट ये वाला हेलमेट है 1,500 का ओके। और ये जो देख पा रहे हैं इसके नीचे का जो पैंट है ये वाला इसमें भी अलग अलग प्राइस होता है क्या या मीन्स ये और ये इसको अलग 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 आपको परचेस करना पड़ेगा ये भी 7,000 का। अच्छा 7,000 का है पूरा इसमें पूरा कोटिंग होता है ना सेफ गार्ड के साथ यहाँ पे और सेफ गार्ड होते हैं ना इजीली देख सकते हो ओके ओके ओके। और ये जो टी शर्ट देख रहे हैं टी शर्ट है वो अलग अलग प्राइसिंग में कोई 500 की जैसे वो तो अंदर पहनने के लिए ना जैकेट के अंदर पहनने ये नॉर्मली भी जो दिखता है। और ये बैग भी है इस चीज का? हाँ ये बैग है कस्टमाइज़ इसको जो चाहिए सब ऑर्डर करके मंगा सकते। और शूज के बारे में जैसे देखा कि शूज है या लॉन्ग ऑफरोडिंग के लिए बोलो या सिटी राइडर्स दोनों भी यूज कर सकते हैं। प्राइस क्या है? ये है 3,499 आप ये सिर्फ बाइक राइडिंग के लिए यूज करते हैं ना। और ये जो हेलमेट दिख पा रहे हैं हम ये वाले हेलमेट के अलग अलग प्राइस हैं गाड़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं जो नीचे वाला फर्स्ट हेलमेट है। अच्छा अच्छा ये फर्स्ट ये वाला तो इसका प्राइसिंग है 2,800 और ये वाला लास्ट वन है इसका अराउंड 10-15 के अराउंड जाते हैं। सही है अभी कि यहाँ का एड्रेस क्या है? सर अपना एड्रेस है नंदनवन कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ शॉप का नाम है नमन ऑटो राइडर्स। नंदनवन कॉम्प्लेक्स में आपका C35 से C38 शॉप नंबर ओके। और अपना जो ओरियन मॉल है उसके ऑपोजिट साइड पे सर्विस रोड पे ही है यामा शोरूम के बाजू में। अच्छा और ये शोरूम का नाम क्या है? नमन ऑटो राइडर्स ओके। तो हम लोग यहाँ पे वहाँ से पहुँच सकते हैं। और स्टेशन से कितना दूर है ये? वॉकिंग से 15 मिनट पे पनवेल स्टेशन से रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से 5 मिनट की दूरी पे। ओके सर थैंक यू ओके।